दृश्य है, आप लोगों को दिखाऊंगी। और हमारे हीरो जी भी रेडी है, देखिए हम दिखाते हैं आपको। बिल्कुल स्कूल स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी तो छोटी पूरा छोटी के साथ आई है। चाचा को छोटे का याद आ रहा है, बहुत खराब हो गई है। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आए हो सब अच्छे होंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी और हम जा रहे हैं स्कूल, गुरुकुल स्कूल। बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही अच्छा दृश्य है, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हर्षित भी हो गया है रेडी, हर्षित भी रेडी हो गया है और हमारे हीरो जी भी रेडी है, देखिए छोटा हीरो भी रेडी है। तो चलते हैं, कैब बुक कर रही, शीतल भी आ रही है और जाते हैं। चल बुक आ जाएंगे, फिर होगा अच्छा मेरा। देखिए ये इतना बड़ा मंदिर है स्कूल के अंदर, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल। तो देखिए दोस्तों हम पहुँच, देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं गुरुकुल। हाँ छोटू भी आ चुका है। तो हम आ चुके हैं गुरुकुल के अंदर, देखिए मंदिर है इतना बड़ा पीछे। मंदिर क्या आप ही घुमाने आइए, हम दिखाते हैं आपको गुरुकुल स्कूल। जा रहे हैं ऑफिस के अंदर, तो हम जा रहे हैं हर्षित के कपड़े लेने और बुक्स लेने। और यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड भी है, छोटू का खेलना है शायद प्ले ग्राउंड में। स्वामी जी आते हैं, स्वामी जी देखिए लोटस टेम्पल गुरुकुल के अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं और अभी है लंच टाइम, तो 12 बज गए हैं, लंच है 12 से 1 बजे तक। तो तब तक हम यहाँ पर घूम लेते हैं और देखते हैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। लंच टाइम हो रहा है अभी, हम तो बाद में करेंगे लंच, अभी नाश्ता करके आएंगे। फिलहाल हमें आइसक्रीम भेजा है इसके पापा ने हम लोगों के लिए, आइसक्रीम खा लेते हैं। बहुत गर्मी में आइसक्रीम खा लेते हैं कार्तिक भाई। छोटू आइसक्रीम खा रहा है, छोटू ये आइसक्रीम, कल भी आइसक्रीम खा रहा, आज भी आइसक्रीम खा रहा। वैसे डेली आइसक्रीम खाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे है मंदिर, स्कूल के अंदर ही है ये। देखिए वहाँ पे है एक कलश और एक कलश इधर पे है।
भेड़ा हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारेणा है, देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारेणा है, देना हो या भूमि का भूमियालाए, देना हो या पंच नामा देवाए। तो दोस्तों हमने बुक्स ले लिए हैं और ये देखिए इसके पास है बुक्स का बैग और यहाँ पे हाँ इसके पास कार्टून है बुक्स का, ये टेंपल मंदिर लोटस मंदिर और इधर से जा रहे हैं ये हवन करने का प्लेस है और ये देखिए जा रहे हैं, देखो गाइस अंदर से भी और बड़ा है ये स्कूल, वो एंट्रेंस स्कूल का एंट्रेंस है वो, देखो 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 वो देखिए वो देखिए दोस्तों ये मेन ऑफिस है, अगर आपको एडमिशन कराना है तो आप इधर आ सकते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है गुरुकुल श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, ये स्कूल हैदराबाद मुंबई राजकोट गुजरात सब जगह है और देख सकते हैं आप। ये है प्लेइंग ग्राउंड छोटे बच्चों का फर्स्ट टू सेवेंथ क्लास, देख सकते हैं स्कूल बस इतने सारे स्कूल बस है और वो देखिए स्कूल, देखो 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 और ये स्कूल के अंदर अंदर हॉस्टल भी है दोस्तों, जा रहे अंदर। तो मैं और हर्षित गए थे मेन ऑफिस परमिशन लेने के लिए स्कूल विजिट करने का, तो हम जा सकते हैं। हाँ जाइए तेरा बस 17-18 होगा तेरा बस नंबर 15 है तो यह स्कूल हम लोग स्कूल देखने जा रहे हैं अंदर ग्राउंड बास्केटबॉल ग्राउंड और अंदर मेन ऑफिस ने सर ने बोला था कि काने जाने का आश्रम, तो हम आश्रम में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे स्वामी लोग रहते हैं, बस हम आपको बाहर बाहर से स्कूल दिखा देंगे। ये हर्षित ने अपना बस ढूंढ निकाला है, वो देखिए 15 नंबर की बस हर्षित की वो बस आएगी इसको लेने के लिए। तो देखिए यह है स्कूल श्री स्वामी नारायण गुरुकुल, देखो झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये है चाची और इधर पे और बसेस भी है, ये नए सब नए बस है न्यू बस। हाँ स्कूल में अब काम वाम चल रहा है थोड़ा, वो देखिए छोटू भी चल रहा है, ये है एंट्रेंस स्कूल का, स्कूल थोड़ी है महल जैसा लग रहा है तो।
तो देखिए ये है इतना बड़ा स्कूल हर्षित का, ये चल 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 के थक गया है। ये देखिए ग्राउंड और वहाँ पे आश्रम है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने मना किया था। ये देखिए ये देख, यहाँ पर है पूजा करने वाला प्रेयर हॉल है इनका, प्रेयर हॉल प्रेयर हॉल, यहाँ पे प्रार्थना करते हैं फिर यहाँ से जाते हैं। ये पूरा ही है और स्कूल जो है ना वहाँ पे है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है इधर। देखिए तो दिखाते हूँ आपको पूरा नजारा मैं इसमें। और उधर जो है ना नीचे और भी बड़ा प्लेस है, उधर अभी अलाउड नहीं है जाने का नीचे, उधर इतना ही हमको पास दिया था, उससे ज़्यादा नहीं है। आगे बहुत है इधर देखने का पर उधर नहीं जाने दिया। अभी एक बज चुका है तो खाना भी हमको खाना है तो चलते हैं। ये देखिए चले गए सब लोग। जब मैं आ गया बोला तो जहाँ सब बच्चे गए उसके पीछे पीछे गया। ये देखिए इन लोगों को किधर जा रहे हैं, लोग फोटो शूट कर रहे और इधर पे पूरे बस लगे हुए हैं और इसके पापा और कार्तिक चले गए हैं। कार्तिक को बहुत ज्यादा भूख लग गई है तो लोग चले गए हैं आगे को। और इधर गौशाला भी है और गाय के लिए पूरा चारा इधर इकट्ठा करके रखा है ये। और यहाँ भी बस लगे हुए है और नीचे के प्लेस में और ये लोगों का हो रहा है इधर फोटो शूट। देखिए सुंदर सा नजारा। आ जाओ वेट कर रहे थे चालोग, आ जाओ। भूख लगी है, दो बज गए हैं इधर तो पहले खाना खा लेते हैं फिर जाएंगे हम घर को। और ये लोग आए नहीं अभी तक और ये हमारे ही वेट करने में रह गए हैं। और शीतल अभी तक नहीं आई है, हर्षिता और शीतल ही गई है। रिया इधर से निकल रही। चलो भूख लग गई इसको, पापा चलो। फूल भी है इधर, पूजा का पूरा फूल ही गार्डन पे उगता है तो देखे अभी तोड़ लिए होंगे, थोड़े बहुत है। तो जाते हैं। तो बाहर का गेट ये है तो हम लोग बाहर आ चुके हैं अब। वो लोग चले गए, अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा पैदल हमको जाना है और खाना खाएंगे हम आगे क्योंकि उधर ही हम खाते हैं जब भी आते हैं। इधर ही मालूम है, इधर भी है रेस्टोरेंट लेकिन हम आगे जा रहे हैं है ना। और धूप बहुत बड़ी धूप है, ये तो पूरा क्षेत्र के साथ आई है। तो दोस्तों खाना आ चुका है मेरे लिए, वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन 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 रायता और ये सब्जी है लोग खा रहे हैं, सालन। ये देखो खाना खा लो गाइस, कालू ये देखो कालू बिजी है खाना खाने में।
ये हर्षित ने स्टार्ट भी कर दिया, हम भी स्टार्ट करते हैं। हमने खा लिया है और ऑटो बुक करके ना कर दिया है, तो जाने वाले घर जा रहे हैं। क्या पता चाची का मूड चेंज हो जाए और हम फिर से घूमने चले। आगे आगे वो अरे तो गाइस आ गए दोस्तों, हम बैठ चुके हैं और चचा इस बार पीछे बैठे हैं। आगे हर्षित बैठा है, चेंज क्यों करा सकते हैं। चचा को छोटू का याद आ रहा है जैसे, ए छोटू दोस्तों हम जा रहे हैं घर और टाइम हो चुका है 3 बजने आ रहे हैं अभी, 2:46 हो गया। तो हम बैठ चुके हैं और शीतल की हालत बहुत खराब हो गई है बेचारी। बेचारी ये क्या हो गया इसको। आपके साथ थैंक यू। ज़्यादा थी तो हम सो गए थे, तो मैं उठ के कपड़े अपने चेंज करके तो फिर मैं हम ब्लॉग बना रहे। तो अच्छा है स्कूल, बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत दूर दूर से एडमिशन उधर होते हैं और हॉस्टल भी है उधर, अगर कोई दूर से हॉस्टल में डालना चाहता है तो हॉस्टल भी उधर है। तो हो गया अर्षित का और अर्षित कर रहा है जिल्द लगा रहा था अपनी किताबों में, और ड्रेस इसके सिलाने के लिए देना है, अभी सिलावा नहीं मिलता है, एक ही टी शर्ट वहाँ पर मिलता है, तो ये दो ड्रेस है इसमें, ये सिलाने को देने हैं। तो स्कूल अच्छा है कोलकाता, और उधर से बहुत से सारे एडमिशन उधर आते हैं और हॉस्टल में भी डालते हैं बच्चों को, और इधर से हमारे उधर से तो 1 घंटा लगता है ना जाने में, दो घंटा लगता है बस में जाएगा ये, तो अच्छा है स्कूल। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और नज़ारा स्कूल का अच्छा ही है, तो पूरा हम लोग नहीं देखे, आधा ही जा पाए क्योंकि उधर काम चल रहा था, और आजकल क्या है छुट्टियां हैं तो स्वामी नारायण जी उधर ही रहते हैं पूरे स्वामी लोग, तो औरतों को उधर अलाउ नहीं होता है, तो पास हमको आधा ही जाने का मिला था इस बार। जब स्कूल खुलता है तो पूरे घूम सकते हो क्योंकि उस समय वहाँ पर स्वामी जी नहीं होते हैं, पूरा घूम सकते हो, तो इस बार हम आधा ही ब्लॉग बना पाए। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को अगर डालना चाहता है गुरुकुल स्कूल में तो गूगल में सर्च कीजिएगा, पूरा डिटेल मिल जाता है, और हॉस्टल डालने वाले हॉस्टल भी डाल सकते हैं, कहीं भी दूर भी है दूर वाले हॉस्टल डालना चाहते हैं तो हॉस्टल का भी पूरा इंतजाम वहाँ पर है, तो गूगल में सर्च कीजिएगा पूरा डिटेल वहाँ पर मिल जाता है, अच्छा है स्कूल, तो एक बार आप लोग देख लेना। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर।